इसको जानते हैं क्या है? ये है हमारा सबसे प्यारा और कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनियन। अनियन मतलब प्याज। हर घर में मिलता है, बहुत आसानी से अवेलेबल रहता है और उसके ऐसे बेनिफिट्स हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ में ना कि आप बोलेंगे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो आज मैं बताने वाली हूँ अनियन के बेनिफिट्स, कैसे ले सकते हैं अनियन और कैसे ये आपके सेक्सुअल लाइफ को बेटर करता है। चलिए शुरू करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता और मैं हूँ एक सेक्स काउंसलर, पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं बताऊँगी ऐसे बेनिफिट्स अनियन के। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मिस करना बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मुझे पता है आप देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बात कर रहे थे अनियन के बारे में। अनियन की सबसे बड़ी अगर मैं आपको क्वालिटी बताऊं तो इसके अंदर होता है क्रोमियम, और क्रोमियम हेल्प करता है आपके डाइजेशन में, क्रोमियम हेल्प करता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपका जो दिल है उसको स्ट्रांग रखेगा, जो कि ब्लड फ्लो है कहीं ना कहीं में भी नसों में कोई थक्का जम जाता है कुछ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ साथ जो इसका क्रोमियम है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करेगा, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल ड्राइव के लिए एंटी है। मोर ओवर कहीं भी आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं ना अनियन के बारे में तो सबसे ऊपर वो बोलेगा अनियन कीप्स योर पेनिस हार्ड। तो अगर आपको इरेक्शन का इशू है तो भी अनियन लीजिए। इसके अलावा पेट में अल्सर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, सूजन है, उन सब के लिए भी अनियन बहुत हेल्प करता है। अनियन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, और अनियन के साथ अगर आप मिक्स कर लेते हैं लहसुन, जो कि हम तड़के में यूजली हम वेजिटेबल्स में खाते हैं, तो आपके सेक्स ड्राइव में 4 चांद लगने वाले हैं। अब बात करूंगी अनियन को खाना कैसे है। आप बोल रहे हो मैम अनियन खाओ, लेकिन कैसे खाना है? सबसे पहले अगर मैं ऊपर रखूं तो अनियन का जूस, अनियन का जूस कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप अनियन को थोड़ा सा पानी में डाल के रख लीजिए और उसके बाद उसका जूस बनाएं, थोड़ा सा उसमें गार्लिक डाल सकते हैं, या फिर जो बने बनाए मार्केट में अनियन के जूसेस आते हैं वो आप ले सकते हैं। अनियन आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसका जूस बनाएंगे, बालों पे लगाएंगे तो भी उसके लिए बेनिफिशियल है। नहीं खा सकते, गंदा लगता है, डोंट वरी, अनियन का सैलेड बना लीजिए, है ना। सैलेड आप गोल गोल अनियन को काट लें या लंबा लंबा काट लें, थोड़ा सा नमक नींबू लगाएं, चटपटा बनाएं और अनियन को लीजिए। साथ साथ आप वेजिटेबल्स के साथ में भी सैलेड में, तड़के में, सैलेड्स में लेना चाहते हैं तो भी अनियन आपके लिए बेनिफिशियल है। अब इसका ये मतलब नहीं है सारा दिन प्याज खाते रहना है, लेकिन दिन में प्याज ज़रूर इंक्लूड करना है, आयरन के लिए भी बहुत अच्छा है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। ये डन है, अब इसके अलावा और क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगी। सीरीज में और वीडियोस आ रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहेंगे।